गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सुबह सुबह का समय है, आज नम्मी है और यहाँ पर हम चाय लेके बैठे हुए बनाने के लिए। और आ जाओ, क्या काम है? और आज बहुत सारा सामान बनाना है, बड़ी है कड़ी बड़ी, उसके बाद लाल साग, आलू गोभी की सब। तो जा रहे हैं चाय बनाने, उसके बाद फिर आप लोग पहले चाय पी लीजिए, उसके बाद खाना में लगेंगे। तो गोभी हम पहले ही लाए थे, लगता है कि घूमने गए थे ना, सक्ष्टी या पश्चिमी को गए थे तो 30-30 रुपये पीस दे रहा था, इतना इतना बड़का उड़का दो गो लाए हैं, उसी का बनेगा। ऐसे बहुत महंगा हो गया था, कल गए ना तो बहुत महंगा था, 60 रुपये में इतना छोटा छोटा दे रहा था एक, हम 30-30 रुपये में दो लाए थे। तो चाय बन रहा है, पहले आप लोग चाय पी लीजिए, चलिए उधर सब्जी उब्जी काटेंगे। उनको हिलने का आदत है, मोबाइल भी हिलते रहता है। चलिए बैक कैमरे से आप लोग को लेके चलते हैं। चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए सुबह सुबह का। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप लोगों। चढ़ा दिए हैं फ्रेंड, उधर सब्जी वो काट रहे हैं, तो हम इधर सोचे कड़ी बड़ी बना दें झट से, फिर बहुत लेट हो जाएगा। घूमने उमने जाएंगे ना फ्रेंड, तो शायद क्लिप बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम दो पार्ट में डालेंगे इसको, क्योंकि खाना भी जो बनेगा उसका डेली रूटीन वाला भी दिखलाना है। और बारिश ऐसे हो रही है फ्रेंड, अगर शाम को नहीं हुआ तो हम लोग घूमने जाएंगे, तो उसका क्लिप भी आप लोग को देंगे। आवे थी ना, यहाँ पर बड़ी उलट रहे हैं, जल जाएगा ना। अच्छा से घुटाता है, देखिए बहुत अच्छा बड़ी निकलता है।
बहुत ख़राब है फ्रेंड, पता नहीं घूमने जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। ये देखिए बारिश, बादल उतना ही काला काला लगेले है, बारिश हो रहा है और नमी है, लगता नहीं कि हम लोग घूमने जाएंगे। ये देखिए बादल। डाल रहा है फिर नहीं दिख रहा लेकिन उबल रहा है, फिर पानी डाल देंगे और उबलने के बाद उसके बाद टेंशन नहीं है, नहीं फटेगा, लेकिन जब तक ना उबाल हो तब तक उसको चलाते रहना तो फट जाएगा। बड़ी भी डाल दिए, बड़ी के साथ थोड़ा सा उबाल लाएंगे, अंदर बड़ी का सब भी चला जाएगा। बड़ी हो गया, अब इसको निकाल लेंगे, अब दूसरा कार्य करेंगे। सब्जी का फोरन ले लिए हैं, ये जीरा तेजपत्ता और मिर्चाई आलू गोभी की सब्जी के लिए, और यहाँ पर सरसों तेजपत्ता मिर्चाई बैंगन और कलौंजी के लिए, आलू गोभी और यहाँ बैगन की कलौंजी, प्याज वाज काट लिए हैं, बचकर भी जो कटा गया है, जब टमाटर धनिया के पत्ता सारा चीज़ डालने के लिए बड़ी बड़ी बन गया है। कढ़ाई में बनेगा आलू बैगन की कलौंजी, बैगन की कलौंजी, और यहाँ बनेगा आलू गोभी की सब्जी। इसमें तेल डाल दे रहे हैं, ये बड़ी वाला बचा हुआ तेल है, दो चम्मच के करीब डाल देंगे। इसमें पानी है, इसमें तेल डाल देंगे, आलू गोभी की सब्जी में हींग भी डालेंगे क्योंकि वो गोभी है तो गैस बनाता है। यहाँ फोरन जल गया है बैगन वाला, यहाँ पर हल्का प्याज डालेंगे, प्याज के साथ मसाला भी लेंगे। अभी फोरन डाल देंगे, दोनों खट्टी सब्जी दो बसल के बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इधर हम साग रखते हैं, साग भी बनाना है, वो धा के रख दिए हैं। यहाँ पर इसमें हम जीरा गोल की लहसुन और सरसों पीस लिए हैं इसके लिए, और थोड़ा सा पचका में भी डालेंगे। आलू गोभी की सब्ज़ी में हम नॉर्मल मसाला डालते हैं, उसमें लहसुन वहसुन हम कुछ भी नहीं डालते हैं, तो इसमें कुछ मसाला डाल देंगे, साथ में भूनेगा टमाटर अंतिम में डालते हैं प्याज का। ये कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दिए हैं, और इसको पानी के साथ भूनेंगे। बस एक मिनट इसे बैगन के साथ भी भूनेगा, बैगन डाल के ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर गोभी मेरा भून गया है, अब इसमें आलू चाट में डाल के भूनेंगे। ये देखिए मसाला भून गया है, इसमें बैगन डाल देंगे, बैगन को हमेशा पानी में डाल के रखते हैं, इसका तीखापन थोड़ा सा भी रहता है वो निकल जाता है पानी में। ये देखिए
जितना साफ भूमि डाल के रखी होगा 10-15 मिनट वैसा पानी हो जाएगा, इसका निकल जाता है। अब लोग को हम बोलते हैं हमेशा नमक भी मिल जाएगा। इसको हल्का आँच कर देंगे हम एकदम कम आँच, और इसको कम आँच पर पकाएंगे। अब पानी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम आँच कम कर दीजिए। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। नमक डाल दे रही हूँ, भूल जाएंगे स्वाद के अनुसार नमक डालने। बैगन से हमको एलर्जी है, पैन हम नहीं खाएंगे, लेकिन लड़का सबको अच्छा लगता है बैगन, इसीलिए लाएंगे। कड़ी बड़ी कड़ी का कॉम्बिनेशन बड़ा मस्त बैठता है। नमक करें इसको आँच कर दे और इसको सोख दे। ज़रूरत पड़े तो हल्का 2 चम्मच पानी डालेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। इसको ढक के छोड़ दें, आँच देखिए एकदम कम है। हमारा आलू कभी भून रहा है, अब इसके लिए मसाला डाल देंगे। यहाँ पर आलू गोभी का मसाला भून के रखे, इसका गोभी हम निकाली है क्योंकि गोभी तुरंत गल जाता है। इसको हम जब वो सीटी दे देगा तो ऐसे ही बंद कर देते पक जाता है। तो यहाँ पर अब इसको हम सीटी लगा देंगे। बस अभी मटर है वो डाल देंगे। मसाला भून गया है, देखिए पूरी अच्छी तरह से सब सब भून रहे हैं। अब इसमें भी पानी डाल के बड़ी धो रहे हैं, सब्जी भून रहे हैं। दोनों सीटी लगा लिए और बैगन का ज़रा सा हाल चाल पूछ ले। ये देखिए पानी बिल्कुल नहीं दिए हैं, और ये देखिए बैगन में भी पानी छोड़ता है, इसी में पक जाएगा ये। और इसका जो टेस्ट आता है ना वो बवाल आता है। इसकी रेसिपी हम आप लोगों को दे दिए हैं, क्योंकि बना रहे थे तो सोचे तो दिखला दें आप लोगों को। ये देखिए कैसे पक रहा है, ऐसे ही पक जाएगा। पक्का मार्च करके रखिए, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कड़ी की बड़ी पसंद मस्त लगता है। मौसम तो आज मस्त पहले है, हर नमी के घूमने का प्लान तो ऐसे लगता है कि होगा। ये देखिए बारिश हो रहा है, पता नहीं दिख रहा है तो कि नहीं, अभी कड़िया घाटा लग रहा है। देख लेते हैं, ये देखिए जरा भी पानी नहीं डाले हैं। अब देख लीजिए सब एकदम सीख भी गया है। ये देख लीजिए मसाला भी अच्छी तरह से भूल गया है, एकदम देख लीजिए क्या है। अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा टमाटर डालेंगे हम इसको ऊपर से। हमको इसमें टमाटर ना अच्छा लगता है, लेकिन हमको तो खाना नहीं। ये देख लीजिए सब्जी मेरा मस्त बना है, बैगन की कलम की। और जरा भी पानी नहीं डाले हैं, एक बूंद भी पानी इसमें नहीं पड़ा है। आप इस तरह से बना के देखिएगा, एकदम मस्त लगेगा कलम की। सब्जी देख लेते हैं अपने है। ये भी हो गया है, इसमें थोड़ा सा हम गोभी डाल के हल्का क्या बोलते हैं हल्का बस रहा है गैस पे, गोभी भी नहीं है। ये भाई बाहरी कपड़ा ना रखेंगे, नहीं सब अंदर छोड़ दिया, बाकी जो सूखल था उसको ले आया। तो हो गया, बस इसमें गरम मसाला डाल देंगे फ्रेंड। चला इधर उधर जा रहा होगा तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, वो हम एडिट घड़ी सब हटा देंगे, इधर उधर से जाता है। गरम मसाला डाल दिए,
हल्का पानी डाल के और सीटी लग जाएगा उतार देंगे, बस इतना मेरे को भी सीख जाएगा। यह मेरा बैगन की कलौजी हो गया, जिसको हम निकाल लेंगे। देख लीजिए इसका हम लाची दे दिए हैं, आप लोग जरूर डाल दीजिएगा। ये हो गया, इसको बंद करेंगे और इसको निकाल देंगे।